हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। जितने भी बच्चे सीए फाउंडेशन जून 2020 के हैं 23 के हैं, आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी इन दिनों। इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए पेपर नंबर 4 यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स बीसीके का डिटेल्ड एबीसी एनालिसिस। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हमारा जितना भी सिलेबस है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में मैं आपको वो टॉपिक्स और वो चैप्टर्स बताऊंगा जिनको आपको सबसे पहले करना है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बेशक आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा बट वो एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, तो आपको आसानी से अच्छी मार्क्स दिलवाने के लिए वो चैप्टर्स हेल्पफुल रहेंगे। फिर कैटेगरी बी चैप्टर्स बताऊंगा जहां पर आपको टाइम भी मॉडरेट लगेगा और उनकी एग्जाम में वेटेज भी मॉडरेट लगेगी। और लास्ट में कैटेगरी थ्री चैप्टर्स में आएंगे जिन पे टाइम अच्छा खासा स्पेंड करना पड़ता है बट एग्जाम में उनकी वेटेज सबसे कम रहती है, तो वो हमारी पढ़ाई में आखिरी प्रायोरिटी रहेंगी। देखिए, पहले मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है आपको कहना कि सिर्फ कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स पढ़ के चले जाओ या ए और बी वाले पढ़ के चले जाओ, सी वाले छोड़ दो। मैं हमेशा से अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको 100% नहीं तो एटलीस्ट 90 से 95% सिलेबस तो अपना कवर करके जाना ही जाना पड़ेगा। सो फॉर दैट रीजन मैं यहां पर बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा कि आपको कैटेगरी सी वाले करने नहीं है, करने हैं बट हाँ, क्योंकि अब हमारे पास टाइम लिमिटेड रह गया है तो अपने टाइम को बेटर वे में यूटिलाइज करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूं, मेरा टारगेट रहता है कि एटलीस्ट हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर हमारे जो टारगेट मार्क्स होने चाहिए वो टारगेट मार्क्स 40 50 नहीं 75+ होने चाहिए, और आसानी से आप 75+ स्कोर कर भी सकते हैं। एंड उसी की स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। आइए जरा एक-एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करूं। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट मैं यूज कर रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट अगर आप चाहते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रहा हूं। टेलीग्राम चैनल का नाम सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं तो कैटेगरी ए के अंदर मेरे हिसाब से आएगा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में टोटल 3 यूनिट्स हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई। नाउ दिस इज वन सच चैप्टर जो लेंथी चैप्टर है बट इसका 60 में से मैं आपको बता सकता हूं आराम से 20 से 25 मार्क्स की वेटेज कई बार इस पेपर इस सब एक चैप्टर में से आ जाती है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मजे की बात यह है चैप्टर बड़ा ईजी है। ठीक है जी, फिर आते हैं कैटेगरी बी के ऊपर। कैटेगरी बी में मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में हमारा प्रोडक्शन और कॉस्ट आ गया और चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो थ्योरी ऑफ मार्केट है और हमारी रेवेन्यू कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स वो हमारा इसके अंदर आ जाए। इनकी भी कंबाइंड वेटेज अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग लगभग आपकी कंबाइंड वेटेज यहां से भी 20 मार्क्स की आ जाएगी। फिर आते हैं लास्ट में हमारे जो बिल्कुल सिंपल चैप्टर्स हैं बट जिनकी एग्जाम में वेटेज थोड़ी कम रहती है। चैप्टर 5 की वेटेज अक्सर किसी किसी अटेम्प्ट में बढ़ जाती है बट बाय एंड लार्ज इन दोनों की वेटेज कम ही रहती है। दैट इज चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल एंड चैप्टर नंबर 1 द बेसिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको 5 सेट ऑफ चैप्टर बता दिए। अब इन चैप्टर के अंदर भी हमारे इंटरनली टॉपिक्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं अभी आपके साथ अगली स्लाइड में डिस्कस करता हूं। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, डिटेल में मैंने पांचों चैप्टर डिस्कस कर रखे हैं अपने मैराथन के अंदर, तो अभी तक आपने रिवीजन ढंग से नहीं करी है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मैराथन का लिंक डाल रहा हूं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का अलग मैराथन है, बीसीके का अलग है, आप उस मैराथन को देखकर ही इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, वहां पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहां पर नेक्स्ट चीज हमारी आती है बीसीके। बीसीके के अंदर आपको पता है 6 चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 1 को मैं कैटेगरी 1 में डालूंगा। चैप्टर नंबर 6 बिजनेस टर्मिनोलॉजीज वाला चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी है, टाइम लेगा आपका बट एग्जाम में अच्छी खासी वेटेज रखता है। चैप्टर नंबर 1 बहुत ही इजी चैप्टर है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, बेसिकली ये वो चीजें हैं जो एक कॉमर्स के बच्चे को अच्छे से आती हैं बट एग्जाम में अच्छी खासी वेटेज आ जाएगी। देन कैटेगरी 2 में हमारा डालूंगा मैं कैटेगरी बी में चैप्टर 2, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को। एंड लास्ट में हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वाला चैप्टर है चैप्टर 3, उसको मैं कैटेगरी सी में डालूंगा क्योंकि वहां पर ना चीजों को रट्टा मारने के लिए बहुत कुछ है, इतनी सारी कंपनीज हैं, इतना सारा डेटा है उनका, तो उनको याद करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और एग्जाम में वेटेज इसकी 3 या 4 मार्क्स की रहती है, हद से 5 मार्क्स की वेटेज रहती है। तो दिस इज द चैप्टर जिसको आपको लास्ट में पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, इस चैप्टर को रीड करके जरूर जाना है। जित एक दो बार इस चैप्टर को रीड कर लोगे, सारा डेटा बेशक याद नहीं होगा बट एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि शायद अगर इस चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आए तो आप 2 या 3 अटेम्प्ट कर पाओ। दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर को पढ़ने का। तो मैंने चैप्टर्स की सीक्वेंस तो आपको बता दी। नेक्स्ट चीज, यहाँ पर बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर इकोनॉमिक्स बीसीके को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, खासकर इन दिनों में एग्जाम से पहले।
देखो आपने यहाँ पर रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, क्योंकि आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं होने वाला, ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अच्छे से पूरे चैप्टर को रीड करना है। आईसीए स्टडी मटेरियल को फॉलो कर रहे हो तो वहां से रीड करो, नहीं तो अगर आप हमारी बुक्स को फॉलो कर रहे हो तो हमने अपने जो नोट्स हैं वो आईसीए स्टडी मटेरियल को ही बेसिकली बेटर प्रेजेंटेशन वे में करके दे रखे हैं। उसके अंदर कुछ इररिलेवेंट चीजें हटा दी, कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाल दी। तो आप हमारे नोट से भी रीड कर सकते हो, आईसीए स्टडी मेट से भी कर सकते हो। अगर आप हमारे नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी जो ऐप है एंड्रॉयड ऐप सीए नॉलेज पोर्टल, जो हमारे चैनल का नाम है वही ऐप का नाम है, उसे डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको हमारे कंप्लीट नोट्स हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे सॉफ्ट कॉपी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। साथ साथ सर, कुछ बच्चे बोलते हैं सर अगर हम आपका सिर्फ मैराथन देकर रीड कर लें क्या वो सफिशियंट होगा? द आंसर इज यस। अगर आप एक बार हमारा मैराथन देख लेते हैं, एंड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट जस्ट सेइंग मैराथन देखो और बाकी कुछ मत करो, एक बार आप अपनी बुक से रीड कर लो तो उस केस में दैट इज मोर देन सफिशियंट 75+ मार्क्स लेने के लिए। बट रीडिंग करना एक बार बहुत जरूरी है ताकि आपको वो लैंग्वेज पता लग जाए जो आईसीआई स्टडी मेट की बुक में दे रखी है। फिर सर एमसीक्यूज कौन से प्रैक्टिस करने चाहिए हमें आखिरी 15 दिन जो हम रिविजन कर रहे हैं? देखो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू तो करने ही करने हैं आपको, प्लस अगर आप हमारे नोट्स डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको हर चैप्टर में एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। अगर आप वो आईसीआई स्टडी मेट के एमसीक्यूज और वो एक्स्ट्रा के लिए अगर टाइम मिल गया वो एमसीक्यू कर लेते हैं, आपका कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग सेम एमसीक्यू एग्जाम में रिपीट होंगे, बट दे विल गिव यू अ कंप्लीट कवरेज ऑफ द एंटायर चैप्टर्स। आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एग्जाम। प्लस मैं एक चीज बता दूं, पिछले लगभग आई थिंक 1 महीने से हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। अगर आपने अभी तक उसका फायदा नहीं लिया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल, उसके अंदर डेली एक बिजनेस मैथमेटिक्स का एमसीक्यू डलता है, एक बिजनेस इकोनॉमिक्स का डलता है। अभी तक आई थिंक हर सब्जेक्ट के 25-30 एमसीक्यू डल चुके होंगे 1 महीने से जो चल रहा है, तो उसको जाकर अटेम्प्ट कीजिए, वहां पर भी आपके काफी सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए कमिंग टू टॉपिक वाइज डिस्कशन, एक एक करके टॉपिक्स की बात करें। अगर मैं यहाँ पर अच्छा ये डॉक्यूमेंट में आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके वहां पे पढ़ सकते हो। चैप्टर 1 की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे हिसाब से है वहां पे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स इकोनॉमी, उसके फीचर्स और उसके मेरिट्स डीमेरिट्स, ये आपको रीड करने हैं। और साथ साथ मेरे हिसाब से अगला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसके अंदर वो क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कैटेगरी में डाल दिए। उसके बाद जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैंने उसके बाद लिख दिए हैं, हमारे नॉर्मेटिव पॉजिटिव माइक्रो मैक्रो और फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैं एक एक करके रीड नहीं कर रहा सारे चैप्टर्स के, इन टर्म्स ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ दोस टॉपिक्स मैंने यहां पर लिख दिए हैं। आपको ये टॉपिक्स जरूर जरूर कवर करने हैं, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना अगर आप उसे ढंग से पढ़ना चाहते हैं। तो पहले आपको इकोनॉमिक्स की यहां पर कंप्लीट कवरेज मिल जाएगी। अगेन आई एम सेइंग दिस डॉक्यूमेंट यू कैन इजिली गेट फ्रॉम आर टेलीग्राम चैनल एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट जो मेरे हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पढ़ने का तरीका होना चाहिए 75+ मार्क्स के लिए। साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे जैसे आप पढ़ते चले जा रहे हैं अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी डिटेल्ड टेस्ट सीरीज ऑलरेडी कंडक्ट की जा चुकी है। अब तो फुल सिलेबस ट्रस्ट ही कंडक्ट करना रह गया है, बट जो टेस्ट हमारे ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं वो भी हमारे एंड्रॉयड ऐप के ऊपर पड़े हैं। तो आप वहां पर हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करके उसमें साइन अप करके टेस्ट फ्री स्टडी मटेरियल में आपको डिटेल टेस्ट मिल जाएंगे हर चैप्टर के, जो अगले हम पिछले 1 महीने के अंदर अंदर हमने कंडक्ट करे हैं। आप वो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में बैठने से पहले एक कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए ऐसी और गाइडेंस वीडियोस आती रहेंगी, तो चैनल पे बने रहिएगा और ये सारे मैराथन्स जो आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं उनका जरूर फायदा लीजिएगा, बड़े डिटेल में बनाए गए हैं एग्जाम ओरिएंटेड वे में। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।